ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि वो एक्सेस कर पाए प्रेजेंटली अवेलेबल मल्टी मीडिया रिसोर्स उस नेटवर्क को हम क्या कहेंगे क्या यूज नेट कहेंगे या यू आर एल कहेंगे वेब कहेंगे या इंटरनेट रिले चार्ट यानी आई आर सी कहेंगे सो हम एक एक करके सब जानते हैं ये सारे टर्म्स होते क्या हैं सबसे पहले हम बात करें यूजनेट की यूज नेट की तो यूज नेट इज बेसिकली अ वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्कस सिस्टम अवेलेबल लेबल ऑन कंप्यूटर ऑन कंप्यूटर ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कशन सिस्टम होता है जो अवेलेबल होता है कंप्यूटर में ओके एनीबडी कैन एक्सेस इट अब बात करें यू आर एल की So URL is basically what? URL is a uniform resource locator. Uniform resource locator. It is basically a tool to find a web page. What? Tool used to find वेब एक ऐसा टूल होता है जो वेब पेज फाइंड करने के लिए यूज होता है यू आर एल अब हम बात करें हमारे वेब की सो so, वेब क्या होता है वेब इज बेसिकली एन इंफॉर्मेशन एन इंफॉर्मेशन सिस्टम वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड अदर वेब रिसोर्स वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड अदर Web resource are identified by uniform resource. Web identified by uniform resource located. ये एक तरह का वेब होता है जो कि इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस्ड होता है जिसमें कि हम डॉक्यूमेंट्स एंड अदर वेब रिसोर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसकी मदद से यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर की मदद से सो so, अगर हम अपना ऑप्शन देखें अ सर्विस विच प्रोवाइड्स यूजर इंटरफेस टू एक्सेस द अवेलेबल मल्टीमीडिया रिसोर्स ओवर आ नेटवर्क सो यहाँ हमारा वेब जो है वो इसमें करेक्ट बैठ रहा है क्योंकि वेब भी यही काम करता है वेब हम लोगों को अलाउ कर रहा है कि हम आइडेंटिफाई कर सके रिसोर्स को by using of URL. So, हमारा आंसर ए नहीं है बी नहीं है हमें C में हमारा answer मिल गया हम से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स कवर हो आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटा या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर